आज हम लोग मैनुअल प्लेटलेट्स काउंट को देखेंगे। तो मैनुअल प्लेटलेट्स काउंट का हम लोग स्लाइड मेथड से दो और मेथड को देखेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो देखिए कैसे प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है मैनुअल में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या जरूरत होगी, स्लाइड की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम एक वेल स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। उसमें आपका स्मीयर जो है आपका अच्छा सा एक स्मीयर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्मीयर होना चाहिए। अगर आप स्टेनिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर स्टेन्ड होना चाहिए। और स्टेन होने के बाद जो है आप इस पैटर्न में उसको जो है स्लाइड को देखते हैं, क्योंकि टेल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिन रीजन होता है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, या तो डिफरेंशियल काउंट हो या तो प्लेटलेट्स काउंट हो, वहाँ पे नीचे जो है टेल रीजन में बहुत ही ईजी होता है। और माइक्रोस्कोप पे एडजस्ट कर करके हम लोग जो है फिर प्लेटलेट्स का काउंट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले प्लेटलेट्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। प्लेटलेट्स होता है एक्चुअली में क्या है, अगर आप डिफरेंशियल काउंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको ये दिख रहा है रेड कलर टाइप का, तो वो जो है आपका आरबीसी है। और आरबीसी से भी छोटा क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, न्यूट्रोफिल एसनोफिल, ये सब जो क्या होता है ये प्लेटलेट से और आरबीसी से दोनों से बड़ा होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं साइज के माध्यम से कि प्लेटलेट्स क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और ये ब्लू ब्लू जितना भी डॉट दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है आपका प्लेटलेट्स है। और ये जो है आपका डब्ल्यूबीसी है, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, और ये आरबीसी है। और अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स जो है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में पाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब क्या उसका प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा ब्लड ज़्यादा अच्छा होता है प्लेटलेट्स काउंट के लिए, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स काउंट के लिए जो है आप जनरली वेनस ब्लड का यूज करिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कैपिलरी ब्लड में क्या होता है, क्लम्पिंग के चांस जो है ज़्यादा होते हैं। कैपिलरी ब्लड जो है आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है क्लम्पिंग के कारण से। अगर पॉसिबल हो तो क्या हो कि आपको EDTA ब्लड का यूज करना चाहिए। चिल्ड्रेंस में क्या होता है कि वेनस ब्लड कलेक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है या फिर दिक्कत होती है कलेक्शन करने में। तो वहाँ पे अगर आप कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं CBC के लिए या फिर प्लेटलेट्स काउंट के लिए, तो वहाँ पे आप उसके फिंगर पे क्या करेंगे कि वैसलीन अप्लाई कर देंगे, और ये क्या करेगा ये क्लम्पिंग को अवॉइड करेगा जिससे कि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। फिर आप क्या करेंगे कि प्लेटलेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके स्लाइड पे वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और जो है ये कब हो सकता है, जब आपका स्लाइड या स्मीयर जो है स्मीयर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो, अच्छा टेल हो, और जो एक जो जेन्युइन स्मीयर होता है उस टाइप का स्मीयर हो, तो वो आपको जो है प्रॉपर आप तरीके से आप वहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है कि आप जनरली अगर प्लेटलेट्स काउंट करना है या CBC काउंट करना है तो रैमनोवस का ही स्टेन जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है प्लेटलेट्स काउंट के लिए, आपको CBC काउंट के लिए, ठीक है। और हम लोग प्लेटलेट्स काउंट या CBC काउंट जो है ये किस पे करते हैं, तो 100x वायल इमर्सन फील्ड पे जो है आपका किया जाता है। तो वायल इमर्सन फील्ड इसको OIF भी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 5 प्लेटलेट्स जो है पर वायल इमर्सन जो है इसको नॉर्मल माना जाता है। ये पर वायल इमर्सन फील्ड क्या है, तो ये देखिए जब आप स्लाइड को सेट करेंगे माइक्रोस्कोप में वायल इमर्सन फील्ड में, तो आपको इस टाइप का वो दिखेगा अंदर, ठीक है। तो ये जो एक आपको राउंड सर्किल में जितने भी प्लेटलेट्स आ रहे हैं या जितने भी सेल्स आ रहे हैं ये एक वायल इमर्सन हुआ। अब हम स्लाइड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा प्लेस डिस्प्लेस करेंगे, तो ये जो आप घुमाए और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है राउंड शेप और इसके अंदर जितना भी है ये सेकंड वाल इमर्सन है। इसी तरह हम लोग स्लाइड को आगे मूव करते रहेंगे और प्लेटलेट्स का काउंट करते जाएंगे। अब देखिए प्लेटलेट्स का काउंट हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 फील्ड में टोटल आपको 10 फील्ड काउंट करना है। 10 फील्ड में आप प्लेटलेट्स का काउंट कर लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी फील्ड में 25 आया, किसी में 22, किसी में 27, किसी में 21, किसी में 16, किसी में 12, किसी में 14, किसी में 24, किसी में 23 और किसी में 22, ठीक है। तो टोटल आपका 206 मान लेते हैं आ गया, ठीक है। तो एवरेज इसका हम निकाल लेंगे, तो एवरेज कितना हो गया, 206 का एवरेज करेंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, 20.6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्लेटलेट्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लेटलेट्स का फैक्टर जो है 15,000 आपको फैक्टर माना जाता है। ये फैक्टर कहाँ से आया वो भी मैं बतलाऊंगा, जो कि कहीं पर भी आपको नहीं बतलाया जाता है। तो ये फैक्टर जो है आपका कैसे आ रहा है कि 1 मेगा कैरियोसाइट,
ये देखिए मेगा कैरियोसाइट होता क्या है, जब आप ये मैच्यूरेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, हीमोपोएसिस पढ़िएगा, हीमेटोपोएसिस पढ़िएगा, तो यहाँ पे माइलॉयड स्टेम सेल क्या करता है, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये स्टेम सेल एक किसी चीज़ का ही फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेगा कैरियोसाइट से क्या बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है। अब देखिए ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल, सेम वही चीज़ है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल है और ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट बना दे रहा है, ये फर्स्ट स्टेज में है। फिर ये क्या कर रहा है, मेगा कैरियोसाइट बना दे रहा है सेकेंड और थर्ड स्टेज, और यहाँ पे जो है फोर्थ स्टेज में ये मैच्योर्ड मेगा कैरियोसाइट जो है आपको प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ पे उसी डायग्राम को अच्छे से डिटेल में समझाया गया, तो आप समझ गए कि मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तब देखिए क्या कर रहा है कि एक मेगा कैरियोसाइट जो है, यहाँ पे एक मेगा कैरियोसाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1500 जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, 1500 से 2000 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, 1500 से लगभग आपको 2000 जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, 1000 से 3000 ऐसे जनरली होता है। तो एवरेज हम लोग मान रहे हैं कि 1500 आपका ये फॉर्मेशन कर रहा है, तो एवरेज हम इसको मान ले रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि प्लेटलेट्स प्रोड्यूस बाई ईच मेगा कैरियोसाइट्स इंटू क्या है, नंबर ऑफ फील्ड काउंटेड। तो नंबर ऑफ फील्ड काउंटेड कितना है, 10 फील्ड हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये जो है 1500 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 15000 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 20.6 था, 20.6 इंटू प्लेटलेट्स का फैक्टर कितना है, 15000, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 309,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आपका प्लेटलेट्स आ जाएगा। थैंक यू।